का क्वेश्चन नंबर वन है क्लास, इन अ फार्म देर आर सम काउस एंड बर्ड्स, इफ देर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स देन हाउ मेनी काउस एंड बर्ड्स आर देयर। ठीक है, एक फॉर्म के अंदर कुछ बर्ड्स और कुछ काउज हैं। ठीक है, टोटल हेड्स कितने हैं हमारे पास, उन्होंने बताए हैं 35 हेड्स और टोटल लेग्स कितनी हैं 110। अब हमने इनमें से फाइंड आउट करना है कि कितनी काउज और कितने बर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच काउ हैज़ 1 हेड एंड 4 लेग्स, क्लियर, ईच बर्ड हैज़ 1 हेड एंड 2 लेग्स। ठीक है, लेट काउ इज़ इक्वल टू एक्स और बर्ड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई के साथ। हेड कितने हुए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, लेग्स कितनी हुई, 4x + 2y इज इक्वल टू 110, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। ठीक है, x और y हमारे पास हेड्स होंगे। ठीक है, 4 और 2 लेग्स हैं, तो हमने लेग्स के साथ 4x और 2y लिख दिया और 100 टोटल हमारे पास हो गए। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 by 4, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यानी 4x + 4y इज इक्वल टू 140। अब ये 140 कहाँ से आया, 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, देन यू कैन गेट द 140, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 3, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 2 और 3 को, क्लियर। इतना आप क्वेश्चन उतार लें अपनी कॉपी के ऊपर, होप सो कि आपको सही नज़र भी आ रहा होगा। फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को दोबारा उतार भी सकते हैं। क्लियर क्लास, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमने सब्ट्रैक्ट करना था 1 और 2 को 2 और 3 को, 4x + 4y इज इक्वल टू 140। हमारे पास थी इक्वेशन 2, 4x + 2y इज इक्वल टू 110। 4x और 4x चूँकि प्लस और माइनस के थे, ये कट गए, 4 में से 2 माइनस किया हमने तो 2y इज इक्वल टू 140 में से 110 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 30। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, 30/2, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हुए हमारे पास, 15, क्लियर। पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, x + y 35, x + 15, y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 15 = 35, x, ठीक है, x = 35 - 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। नंबर ऑफ काउस कितने हुए, 20। हम अपने इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये क्वेश्चन ठीक किया है। x प्लस वाई हमें वैल्यू दी हुई थी उन्होंने 35, तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 20, ठीक है, काउस कितनी थी हमारे पास, 20, ठीक है, और y हमारे पास बर्ड्स थे, तो y कितने निकले हमारे पास, 15, हमने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 35। क्लियर क्लास, आपने इस क्वेश्चन को उतारना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्लियर। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, खुद मार्क कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आपको पता चले तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, स्कूल के नंबर पर कॉल करके, ठीक है। इसके जो चूज़ द करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस हैं, ये भी आपको मैंने पूरा लेसन पढ़ा दिया है, होप सो कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और इनको देखना, खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।